उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में 1670 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें गंगा जल परियोजना भी शामिल है, जिससे बहुत से घरों तक पानी पहुंचेगा। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 4 में सीएम योगी ने इन परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। सीएम योगी ने जनपद गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क पहुंचे तथा सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि निवेश के नए क्षेत्र यहां बन रही हैं। पहले हम केवल आईटी और आईटीएमएस में निवेश देखते थे, लेकिन अब मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट के हब के रूप में भी यह क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक लोग गंगा स्नान करने जाते थे, लेकिन अब गंगा मैया खुद लोगों के घर तक स्वच्छ जल देने आ गई हैं। आगे उन्होंने कहा कि यह काम करने वाले जो मजदूर हैं उनके साथ संवाद करेंगे और जो माफिया प्रवृत्ति के तत्व हैं उनके साथ कठोरता से बर्ताव करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये पूरा क्षेत्र विकास की योजनाओं के गिर्द दृष्टि लगाए हुए हैं और माफिया की चपेट में थे, जो यहाँ पर किसानों का एक और शोषण करते थे। पिछले 5.5 वर्षों में गौतम बुद्ध नगर की तस्वीर बदली है। अपने स्तर पर अपनी उन वहां पर विकास का मॉडल भी खराब करते हैं, औद्योगिक वातावरण भी बनाते हैं और जन सुविधाओं के साथ ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को भी आगे बढ़ाने में अपनी मदद करते हैं। यह अपने आप में एक अच्छा मॉडल है और डेवलपमेंट अथॉरिटी भी इस मॉडल को अगर अपने यहाँ उतारेगी तो उसका बहुत सारा लाभ उन अथॉरिटीज को भी मिलेगा और वे सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल के रूप में सरकारी सहायता के लिए उन्हें शासन के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी। शासन से मिलने वाली सहायता उन्हें अपने रूप से आगे बढ़ाने में मदद कर पाएगी। भाइयों बहनों, आज 1670 करोड़ के इन परियोजनाओं के मैं एक बार फिर से गौतम बुद्ध नगर जनपद के अपने माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, सभी अपने माननीय जनप्रतिनिधियों को और जनपद के पूरे निवासियों को एक बार फिर से बधाई देता हूँ।